जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम ने अंतिम ओवर में दूसरा T20 मैच उमरान मलिक की वजह से जीता। और ऐसे में हार्दिक पांड्या ने जब भारतीय टीम हार रही थी तो उस दौरान उमरान मलिक से ऐसा क्या कह डाला कि उमरान मलिक ने सीधा भारत को मैच जिता दिया। तो दोस्तों, उमरान मलिक का ये बड़ा बयान तो आप सभी को यहाँ पर हम बताने वाले ही हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम किसकी वजह से जीती, उमरान मलिक की वजह से या फिर हार्दिक की वजह से? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी उमरान मलिक को एक अच्छा गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और आयरलैंड की टीम ने रोमांचक दूसरे T20 मुकाबले में 4 रनों से जीत हासिल करी। हालांकि दोस्तों, इस मुकाबले में अगर भारतीय टीम जीती है तो वो बस मात्र एक गेंदबाज की बदौलत, वो है उमरान मलिक। दरअसल दोस्तों, अंतिम ओवर में ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को हार जाएगी, क्योंकि 17 रनों की जरूरत आयरलैंड की टीम को थी। और यहाँ पर आयरलैंड की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी मार्क एडायर और जॉर्ज डॉकरेल कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यहां पर उमरान मलिक की शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर आयरलैंड की टीम इस मुकाबले को कतई जीत न सकी। और ऐसे में दोस्तों, इस मैच में भारत को जीत दिलाने के बाद उमरान मलिक काफी ज्यादा खुश नजर आए। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि उमरान मलिक ने अपने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर 4 ओवर फेंकते हुए 42 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। लेकिन दोस्तों, उमरान की इस पूरी पारी में सबसे महत्वपूर्ण अंतिम ओवर था। लेकिन दोस्तों, अब इसी बीच उमरान मलिक का बड़ा बयान सामने निकल कर आया, जहां पर उमरान मलिक ने इस दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि मैं अपनी गेंदबाजी में दिन प्रतिदिन सुधार कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं भारतीय टीम का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनूं, जो कि भारत के लिए किसी भी हाल में मैच को जिताने का दमखम रखे। हालांकि आज का मुकाबला मेरे लिए बेहद यादगार मुकाबला है, क्योंकि इस मुकाबले में अंतिम ओवर में मैंने ना सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि आयरलैंड जैसी टीम को रोका भी। हालांकि मेरे को लग नहीं रहा था कि अंतिम ओवर में मैं अच्छी गेंदबाजी कर सकूंगा, लेकिन हार्दिक भाई ने मेरे पर काफी भरोसा जताया और मुझे आगे भेजा। हालांकि हार्दिक भाई पहले खुद गेंदबाजी करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अंतिम सेकंड में जाकर फैसला किया कि वो मेरे से गेंदबाजी करवाएंगे और मैंने उनका भरोसा भी जीता। हालांकि हार्दिक भाई जैसा कप्तान मैंने अपनी जिंदगी में काफी कम देखा है, जो कि अपनी टीम के खिलाड़ियों को एक साथ लेकर चलता हो। और अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर वो हार्दिक भाई और भूवी भाई ही थे जिन्होंने मुझे सलाह दी, और जैसा उन्होंने कहा उसी हिसाब से मैंने गेंदबाजी की और नतीजा आ गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर उमरान मलिक ने ये बड़ा खुलासा करकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तो जीत ही लिया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है उमरान मलिक के इस बयान के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, यहाँ उसको देखकर भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के भी पसीने छूट गए, क्योंकि यहाँ पड़ चुकी थी और अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक ये मुकाबला गया, जहाँ भारत की टीम इस मुकाबले में लगभग, आप सब यहाँ पर देख भी सकते हो इस मुकाबले का पूरा नतीजा। और अब आप सभी की क्या राय है भारत और आयरलैंड की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले के बारे में? उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।